हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फार्माकोलॉजी बुक, जनरल प्रैक्टिस गाइड और चिकित्सा गाइड, तीनों बुक में जो है अंतर जानेंगे कि तीनों में क्या अंतर है और तीनों में जो है बेस्ट बुक कौन सा है। अगर आप मेडिकल लाइन में रहते हैं, मेडिकल फील्ड में रहते हैं, आप एक नर्सिंग स्टूडेंट है या फार्मेसी स्टूडेंट है या बी फार्मा डी फार्मा कर लिए हैं या कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है तीनों में कौन सी बुक जो है बेस्ट है, कौन सी बुक आपको रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं तीनों बुक का जो है पूरी डिटेल्स में वीडियो जो है बना चुका हूं यानी रिव्यू कर दिया हूं, आपको आई बटन में मिल जाएगा। आप चाहे तो इस तीनों के बारे में पूरी डिटेल्स में देख सकते हैं और कहां से खरीदना है उस वीडियो में मैंने बताया है। अगर आप चाहें तो तीनों बुक जो है आप ऑर्डर कर सकते हैं, आप चाहे फ्लिपकार्ट, अमेजन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे जो है ये जनरल प्रैक्टिस गाइड के बारे में। ये बुक जो है इसमें आपको डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में दिया गया है कि कौन सी बीमारी में क्या जो है जांच करना चाहिए, कैसे पहचानेंगे इसके बारे में। अगर इसकी पूरी डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आपको आई बटन में इसकी पूरी डिटेल्स में जो है वीडियो जो है मिल जाएगा, रिव्यू मिल जाएगा। इसके पेज की क्वालिटी ठीक ही है, आप देख सकते हैं यहाँ बीमारियों का जो है यहाँ पे इंडेक्स दिया हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत सी बीमारियाँ यहाँ पे लगभग दिया गया है, लगभग जो है 144 बीमारी के बारे में 144 बीमारी दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं। ये हिंदी में दिया हुआ है, यहाँ पे जो है लीवर के अंदर जो पस भर गया हो तो उसके बारे में यहाँ दिया गया है, उसके लक्षण क्या हो सकते हैं, इससे खतरा क्या है और इसका पता कैसे लगाए और इसके इलाज के बारे में यहाँ दवा के बारे में दिया गया है। उसी तरह से आप देख सकते हैं लीवर की बीमारियां दिया गया है, हेपेटाइटिस ए बी सी ई, और यहाँ पे इसका जो है डाइट दिया है, ट्रीटमेंट दिया है, और यहाँ पे भी ट्रीटमेंट दिया गया है आपको सीएलडी का, क्रोनिक लीवर डिजीज के यहाँ पे दिया गया है इसके बारे में। तो इस तरह से जो है ये बीमारियों के बारे में दिया गया है, लेकिन इसमें भी जो है पूरी बीमारी नहीं दिया है और कोई खास बुक मुझे ये नहीं लगा, मतलब ये बुक कोई खास नहीं है। बीमारी के बारे में दिया है, उसके लक्षण दिया है, उसमें क्या क्या दवाइयाँ देनी चाहिए, पहचान कैसे करेंगे उसके बारे में जो है उसके बारे में थोड़ा सा दिया भी है, क्या नोट्स टाइप के जो दे दिया गया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सर्दी जुकाम कॉमन फ्लू है उसके बारे में यहाँ पे दे दिया गया है, यहाँ उसके प्रकार दिया है, उसके लक्षण मतलब कैसे पहचानेंगे ये दे दिया गया है, उसका रीजन क्या है, क्या कारण है कि होता है और उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ देनी चाहिए, तो यहाँ दवा भी दे दिया है। तो एक तरह से ये बुक ठीक है, लेकिन उतनी जितनी चाहिए उतनी ये बुक उतनी अच्छी नहीं है। तो अगर आपको जो है दवा के बारे में इलाज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये बुक ठीक है, लेकिन अब बात करेंगे चिकित्सा गाइड के। तो चिकित्सा गाइड में बात करें तो ये भी जो है एक प्रकार का जो है प्रैक्टिस बुक ही है, ये जो है इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, आप चाहे तो इस पे ऑर्डर कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। यहाँ कुछ इस तरह से पेज की क्वालिटी देख सकते हैं यहाँ पे, और ये जो है अलग अलग जो है इसके राइटर हैं, लगभग 8 राइटर्स यहाँ मिलकर जो है इसके इसको लिखे हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो है बीमारियों को दिया गया है, यहाँ डाइजेशन सिस्टम जो बीमारियाँ है उसके बारे में दिया गया है, यहाँ पे जो है परिसंचरण तंत्र से रिलेटेड जो है हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जो भी है उसकी बीमारियों का दिया गया है। तो ये इंडेक्स यहाँ पे दिया गया है, अलग अलग जो है पार्टों में दिया गया है। तो एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि ये जो बुक है ये जनरल प्रैक्टिस गाइड से बहुत ही अच्छी है। अगर इसमें इलाज के बारे में, इसमें सिर्फ जो है इलाज के बारे में दिया गया है, कौन सी बीमारी जो है इलाज करना है, कौन सी बीमारी में कौन सी दवा देना चाहिए उसके बारे में दिया गया है। यहाँ पे कुछ और भी नोट्स जो है जानकारियाँ दिया गया है, यहाँ पे जो है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया गया है, आयुर्वेदिक का उतना नहीं दिया गया है, लेकिन एक तरह से ये बुक बहुत ही बढ़िया है। जैसे देखिए यहाँ पे भूख ना लगना, एनोरेक्सिया की जो बीमारी है इसका कारण क्या है ये यहाँ पे दे दिया गया है कि किन किन कारणों से जो है ये एनोरेक्सिया की बीमारी होता है, यानी भूख की कमी, भूख ना लगता है, और इसके जो है सिम्टम्स यहाँ दिया गया है कि क्या सिम्टम्स कैसे पहचानेंगे, और इसके इलाज यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाना चाहिए। तो अगर इलाज के बारे में जानना चाहते हैं तो ये बुक जो है बेस्ट है, चिकित्सा गाइड जनरल प्रैक्टिस की अपेक्षा ये बहुत ही अच्छी लगी मुझे बुक। ये कैलाश बंजारा का बुक जो है बहुत ही अच्छी है, इससे
बोल सकते हैं, इससे बहुत ही बढ़िया ये बुक है अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। यहाँ पे देख सकते हैं नोजिया वोमिटिंग का दिया गया है, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स यहाँ दे दिया है और इसके कारण क्या है ये दे दिया गया है, और यहाँ सिम्टम्स दिया कि कैसे पहचानेंगे कि नोजिया वोमिटिंग हो रहा है ये, और यहाँ पे उसका इलाज दिया गया है कि कौन कौन सी इलाज दिया जा सकता है। यहाँ देख सकते हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में दिया गया है, इसके कारण दिया गया है, यहाँ सिम्टम्स, तो अलग अलग बीमारियों के बारे में दिया गया है और इसमें लगभग बहुत सी बीमारियों को कवर किया गया है। बहुत ही अच्छी बुक है ये वाला बुक जो है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे स्केबीज है, तो स्केबीज के यहाँ पे दिया गया है स्केबीज के बारे में कि स्केबीज एक स्किन प्रॉब्लम है जिसमें इचिंग, जलन और चकते उत्पन्न होते हैं, ये इसके बारे में दे दिया गया है, और इसके रीजन क्या है मतलब कारण क्या है कि क्यों होता है इसके बारे में दे दिया है, इसकी पहचान यानी सिम्टम्स दे दिया गया और क्या क्या इलाज देना चाहिए, क्या क्या दवा देना चाहिए, ये भी यहाँ पे दे दिया गया है। तो ये बुक जो है अगर आप जो है बीमारी के बारे में जो है इलाज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यानी अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हैं तो ये बहुत ही अच्छी बुक है। मेरी मानिए तो ये बुक जो है इससे बहुत ही अच्छा है। यहाँ देख सकते हैं एब्रीविएशन दिया है, शॉर्ट फॉर्म दिया है जो डॉक्टर जो है यूज करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये बुक जो है उससे लाख गुना बोल सकते हैं, मतलब बहुत 100 गुना भी एक तरह से बहुत ही अच्छी है उससे। यहाँ पे जो है उस दे दिया गया है कि कौन कौन से टर्म जो है क्या कहलाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बुक जो है मुझे बहुत अच्छी लगी। तो इन दोनों में तो बोल सकते हैं कि ये बुक बहुत ही अच्छी है इलाज की क्षेत्र में, अगर ये जो है ट्रीटमेंट करना है, प्रैक्टिस करना है, तो उस क्षेत्र में जो है चिकित्सा गाइड वो बेस्ट बुक है। अब इसमें आते हैं फार्माकोलॉजी, तो फार्माकोलॉजी बुक जो है इसमें किसी प्रकार के जो है ट्रीटमेंट का नहीं दिया गया, इसमें जो है मेडिसिन के बारे में दिया गया है, और इसके भाई मैं रिव्यू दे दिया हूँ, इसे भी आप अमेजन फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, आप चाहें तो कहीं से भी ले सकते हैं, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी यहाँ ले सकते हैं। इसमें जो है सिर्फ मेडिसिन के बारे में दिया गया है और उस मेडिसिन जो है वो किस ग्रुप का मेडिसिन है और इसका जो है मतलब किन किन बीमारियों में काम आता है, जैसे यहाँ देखिए रेनिटिडिन के बारे में दिया है, तो रेनिटिडिन के बारे में दे दिया गया है कि कौन सी ये मतलब मेडिसिन है, तो ये एक जो है शक्तिशाली एच रिसेप्टर एंटागोनिस्ट मेडिसिन है, और सिमेटिडिन की अपेक्षा ये 5 गुना अधिक शक्तिशाली होता है, यानी सिमेटिडिन से ये बेस्ट होता है रेनिटिडिन, यानी इसके बारे में दे दिया गया है। और ये किस मार्ग से देना है, मतलब ओरली देना है, IM देना है, IV देना, कैसे देना है, ये रूट भी आपको दे दिया है, डोज दिया है कि कितनी मात्रा में देना है, तो एक तरह से ये मेडिसिन के बारे में ओनली जानना है, और इसमें बीमारी भी दिया है लेकिन ये मेडिसिन के बारे में बेस्ट बुक एक तरह से बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो है इंडिकेशन दिया है, मतलब ये बीमारी कौन कौन सी बीमारी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कॉन्ट्राइंडिकेशन दिया गया है, इंट्रैक्शन दिया गया है, और यहाँ पे जो है साइड इफेक्ट्स दिया गया, और कौन कौन से ब्रांड नेम से आपको मिल जाएगा, यहाँ देख सकते हैं ये ब्रांड नेम से आपको मिल जाएगा, जैसे देख सकते हैं एसीलॉक है 150 mg, 300 mg मिलता है, हिस्टेक नाम से मिल जाएगा, रेनिटिन नाम से मिल जाएगा, तो ये अलग अलग आपको ब्रांड भी दे दिया है। तो एक तरह से ये बुक जो है मेडिसिन की दृष्टि से अगर दवा के बारे में नॉलेज रखना है कि कौन सी दवा किस बीमारी में काम आता है, कितनी डोज में देना है, इसको लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकती है, कौन कौन नाम से आपको जो है मेडिकल शॉप में मिल जाएगा, तो उसके बारे में ये जो है बुक बहुत ही अच्छी है। तो एक तरह से बोल सकते हैं अगर आपको दवा के बारे में जानकारी लेना है तो ये जो है ये मेडिसिन जो है मतलब ये जो बुक है बहुत ही अच्छी है। तो आप बोल सकते हैं इस तीनों में जो है अगर दवा के बारे में जानकारी लेना है कि कौन सी दवा जो है किस ग्रुप का है, कौन कौन सी बीमारियों में काम आता है, कितनी डोज लेना है, कितने मतलब उसका खुराक लेना है, कितने टाइम लेना है, किसको कितना देना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, किन बीमारियों में काम आता है, और इसके कौन कौन से मतलब वो ब्रांड नेम से आपको मार्केट में मिल जाएगा, तो ये बुक उसके लिए बहुत ही अच्छा है। और ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए जो है इसमें बहुत ही प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ये यानी ये दोनों बुक जो है बेस्ट है, इसकी अपेक्षा बोल सकते हैं ये दोनों बुक बेस्ट है। आपकी दृष्टि में कौन सी बुक बेस्ट है आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेज मिला हो तो एक लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और किसी का भी काम आ सके।